बिहार के सिमरिया धाम में महाकुंभ का शाही स्नान का आयोजन किया गया और आज इसका अंतिम दिन था। इस पर्व में स्नान में कई राज्यों के साधु संत सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सिमरिया गंगा घाट में शाही स्नान किया, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार सहित अन्य जगहों के साधु संत और नेता शामिल हुए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सिमरिया धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। इस बीच अर्ध कुंभ के स्नान के साथ मेले में नागा साधुओं की भक्ति देखने के लिए देश विदेश से लोग भी आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नागा साधु जो है वो कर्तव्य करते दिखाई दे रहे हैं, वही लाठी भांजते दिखाई दे रहे हैं। सिमरिया धाम में लगे अर्ध कुंभ मेले का अपना ही एक अलग पौराणिक महत्व है। यही वजह है कि आप देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यहां आते देखेंगे। यहां श्रद्धालुओं की मौजूदगी में होने वाले महाआरती को भी देखते ही बनता है। सुबह के 9 बजे से सिमरिया कुंभ सेवा समिति के ध्वज स्थल में कई अखाड़ा निशान लेकर हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ सभी साधु संत शाही स्नान में शामिल हुए। कुंभ सेवा समिति ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि इस विशेष शाही स्नान का लाभ लेने के लिए लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बिहार के सिमरिया धाम में लगातार तीसरी बार कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कुंभ में हिस्सा लिया। बताते चले कि शाही स्नान में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गिरी उर्फ टीना माँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हुए। कुंभ सेवा समिति जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शाही स्नान में शामिल होने वाले सभी साधु संत एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान भी रखा गया था।